मोहतरम गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। मौलाए कायनात अमीर मुमकिनात तशरीफ ला रहे हैं बैतुल शरफ में, और जनाब सैयदा बैठी है चक्की पीस रही, चक्की जला रही, आए और पहलू में आके बैठ गए। अब्दुल मसायब नहीं पढ़ रहा हूं, पहलू में आके बैठ गए और कहने लगे, क्या सैयदा आज सवाल करने का दिल कर रहा है आपसे। ये तारीख में लिखा हुआ है कि ये उस वक्त की कैफियात है जब जनाब सैयदा अपने बाबा को याद करके बहुत रोती थी। तो मौलाए कायनात एक शौहर की हैसियत से दिल जोई फरमाते थे, उनके जहन को थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ों में इल्म मुबाहिसों के जरिए से वहाँ से मुंतकिल करने की कोशिश करते थे ताकि भी दिल में कुछ कमी ना आए। उसी सिलसिले की गुफ्तगू है जो उलमा ने तहरीर की है, और मेरे उस्ताद मोहतरम फकीह आजम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद जाफर रजवी साहब तबला प्रिंसिपल सुल्तान मदारिस लखनऊ, वो अक्सर इस वाक़े के हवाले से गुफ्तगू करते थे। तो फरमाया कि जनाब इमाम अली ने क्या सैयदा सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछे क्या पूछना चाहते हैं, बहुत तवज्जो फरमाइएगा। कहा क्या सैयदा सूरह साद की आयत तो आपने पढ़ी होगी कि या इब्लीस हो मामाना कांतस जोदा ले मा खलक तो नहीं लगे जाए। जनाब सैयदा मुस्कुराई कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये आयत तो मैंने पढ़ी है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसमें यही तो कहा है ना, इब्लीस से पूछा क्या इब्लीस ये बता कि वो कौन सी शय थी जिसने तुझे रोका उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। मैं तवज्जो चाहता हूँ, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। इस्लाम में तमाम मसालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ताला की जात जिस्म और जिस्मानियात से मुनज़्ज़म और राज़ है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं, जिस्म उसके है नहीं, वो तो फकत नूर है। अल्लाह और नूर से मवाद वलर्स जमीन और आसमान पर मौजूद एक नूर है। तो अब ये अल्लाह क्या कह रहा है यहाँ इस आयत में, रिवायत नहीं है आयत है कि मैंने अपने दोनों हाथों से जिसे तैयार किया जिसे बनाया तुमने उसका इंकार कर दिया। इबलीस से मुकालमा हो रहा है तो यानी दोनों हाथों का जिक्र है और अल्लाह के हाथ ने नहीं। तो मौला फरमाते हैं सैयदा ये बताइए ये हाथ किसके है। तवज्जो चाहता हूँ सैयदा आपको मालूम है ये किसके हाथों का तस्करा हो रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम का खमीर तैयार किया और तुमने उसके बाद भी सजदा करने से इनकार कर दिया। तो सैयदा कहती हैं कि या अली आप ही बताइए आप क्या कहना चाहते हैं शायद के हवाले से। फरमाया है सैयदा ये दोनों हाथ मेरे हैं। तवज्जो चाहता हूँ ये दोनों हाथ मेरे हैं जिन हाथों ने आदम का खमीर तैयार किया, और ये वो शरफ है जो इस कायनात में अल्लाह ने न किसी नबी को दिया न किसी वली को दिया। ये शरफ सिर्फ मेरी जात से मुख्तस है। मौला कायनात ने फरमाया तो सैयदा ने कहा कि या अली आपको ये तो याद रहा कि आपने अपने दोनों हाथों से आदम का खमीर तैयार किया है, आप ये क्यों परामोश कर रहे हैं कि हव्वा का खमीर किसने तैयार किया। तवज्जो चाहता हूँ कहा अली मैं वो हूँ कि जिसने अपने दोनों हाथों से हव्वा का खमीर तैयार किया, मैं वो हूँ जिसने अपने दोनों हाथों से हव्वा का खमीर तैयार किया। अब अजीज आने मोहतरम जनाब सैयदा फरमाती हैं कि अली ये सिफत मेरी वो है, ये फजीलत मेरी वो है, अल्लाह ने इस फजीलत में कायनात की किसी औरत को शामिल नहीं किया। सिफत मुझे अता फरमाई। यहाँ ठहर कर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि कायनात की जितनी औरतें हैं ये सब क्या हैं, बिनात हव्वा, हव्वा की बेटियां हैं। देखिए अफजल कौन है मफजूल कौन है, जो खमीर तैयार करे वो अफजल है, जिसका खमीर तैयार किया जाए वो अफजल है। तो जवाब आएगा कि अफजल वो है जिसने खमीर तैयार किया, तो अफजल जनाबे सैयदा हो गई, मफजूल कौन हुआ जनाबे हव्वा हो गई। तवज्जो चाहता हूँ तो ये सारी कायनात की औरतें क्या है, हव्वा की बेटियां हैं, बिनात हव्वा, किसी भी मसलक की हों किसी भी मजहब की हों हैं सब हव्वा की बेटियां। तो अज़ीज़ाने मोहतरम जब हव्वा अज़मतों में जनाब फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती हैं तो ये हव्वा की बेटियां क्या मुकाबला
गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। एक जुमला क्योंकि माहिर रजब भी चल रहा है, मौला अली का जिक्र साथ साथ चलता रहे, या इब्लीस और मामना का क्या कहा था इस आयत में अल्लाह ने कि इब्लीस तुझे किसने रोका उसे सिजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। नतीजा क्या हुआ जब उसने इनकार किया, वो बड़ी मंतकी बहस है, उसने जवाब भी दिया कि मैं क्यों नहीं सजदा कर रहा हूँ, मैंने क्यों सजदा नहीं किया, वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है। वो बड़ी मंतकी बातें इब्लीस ने की। इसका मतलब यह है कि इब्लीस भी कोई जाहिल नहीं होता, कभी कभी पढ़े लिखे भी इब्लीस बन जाते हैं। जब अहले बैत से मुनहरिफ होने लगे, कितने भी बड़े आलिम पास में समझ जाइए कि इब्लीस के रास्ते पे जा रहे हैं, इब्लीस के दिल पर मुसल्लत हो रही है तवज्जो है जालिम अहरम। तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, उसकी दलीलें थी कुरान में सब मौजूद है, वो सारी दलीलें जो उसने दलीलें पेश की क्यों मैंने इनकार किया। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि इनकार किया नतीजा क्या निकला, अल्लाह ने कहा फखरुज यहाँ से निकल जाओ, कहाँ से, मस्जिद से निकाला, इमाम बारगाह से निकाला, जन्नत से निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि उसे सजदा नहीं किया था, यानी सजदा क्या था, सजदा तज़ीम था, उसका एतराफ नहीं किया था, उसे कबूल नहीं किया था, किसे, जिसे अपने दोनों हाथों से अल्लाह ने बनाया था। तवज्जो चाहता हूँ, मालूम हुआ कि जिसे दोनों हाथों से बनाया गया था अगर उसे नहीं माना तो फखरुज, जन्नत से परवरदिगार ने उसे निकाल दिया, जो जन्नत में था वो जन्नत से इसलिए निकाल दिया गया कि दोनों हाथों से बनाए हुए को नहीं माना।